हेलो गाइस, फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम इस पुराने ब्रश के मदद से बटरफ्लाई वाइब्रेटर बटरफ्लाई बनाने वाले हैं, मतलब तितली बनाने वाले हैं। तो एक मोटर लेना है और एक बैटरी ले लेना है। तो चलिए हम बता देते हैं कि इस मोटर को कहाँ से निकाले हैं। तो इस मोटर को हम पुराने मोबाइल से के अंदर से उसको खोल के मैंने निकाला हुआ है। तो चलिए हम इसके बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्रश के इस आगे वाला हिस्सा को इस तरह से कुछ चाकू की मदद से काट लेना है। तो इसको क्या करना है, हमको इसको इस तरह से इसको इसके ऊपर इस मोटर को चिपका देना है। तो चिपकाने के लिए हम यूज करते हैं इसमें ग्लू, हॉट ग्लू गन। तो इसे ग्लू गन मेरे पास नहीं है, तो इसको मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको पिघला के इसके ऊपर मैंने इस मोटर को चिपकाया है। तो चलिए हम इसको चिपका लेते हैं। इसको इस तरह से चिपकाना है कि हम इसके बगल में बैटरी को भी हम इसी तरह से चिपका सकें। तो चलिए हम इसको चिपका लिए हैं। अब इसको बैटरी को हम इस तरह से ये जो प्लस वाला नीचे और माइनस वाला ऊपर करके इसी तरह से इसको चिपकाना है। चलिए हम इसको बैटरी को भी इस ग्लू गन की मदद से हम चिपकाते हैं। चलिए हम इस बैटरी को भी इस तरह से चिपका लेते हैं। एक वायर को ऐसे ही रख लेना है, इसको बाद में अभी हम चिपका देंगे तो ये अभी वर्क करना शुरू कर देगा, इसीलिए इसको हम बाद में चिपकाते हैं। तो इससे पहले हमको क्या करना है, इसका पंखुड़ी बनाने के लिए एक वाइट पेपर ले लेना है कुछ इस तरीके से, और इसको पेन से या मार्कर से मार्क कर लेना है कि हमको पंख कितना बड़ा बनाना है। चलिए हम इसको मार्क कर लिए हैं। अब इसको हम कैंची की मदद से काट लेते हैं। तो हमको इस तरह से काट लिए हैं। अब इसको हम पेंट भी कर सकते हैं या कोई कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरह से कलर कर लिया है, इसको बटरफ्लाई के डिज़ाइन में कर दिया है। चलिए इसको हम बीच से काट लेते हैं, क्योंकि हम इससे नहीं काटेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो हमको इसको बीच से काट लिए हैं। अब इसको दोनों साइड से जो ये मैंने बनाया है इसके ऊपर को चिपका देना है फेविक्विक की मदद से। देखिए मैंने एक साइड चिपका दिया है, ये मेरा दूसरा साइड भी मैंने चिपका लिया है। चलिए इसको अब दोनों चिपका लिए हैं। अब हम इसको आगे का सूंड जो होता है उसको हम एक वायर की मदद से बनाते हैं। तो इस वायर को इस तरह कुछ तरह से कर लेना है, और जो आगे का हिस्सा है इसको बिल्कुल मोड़ देना है, जैसे पंख का ये तितली का सूंड जिस तरह होता है उसी हिसाब से इसको मोड़ लेना है। दोनों साइड हम इसी तरह से मोड़ लेते हैं, ताकि हमारा बटरफ्लाई जो तितली बना रहे हैं वो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए मैंने इस तरीके से फेविक्विक की मदद से मैंने इसको इस तरह से चिपका दिया है। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। ये इसको चिपकाने के लिए मैंने हेडफोन का ये चुंबक लिया हुआ है, हेडफोन में जो छोटा चुंबक निकलता है वही मैंने चुंबक इसको चिपकाने के लिए। यहाँ ये वर्क नहीं कर रहा है, तो चलिए इसको प्लेन जगह में वर्क करते हैं। मैंने इसको चलाने के लिए कुछ आईना लिया है, शीशा जो शक्ल देखते हैं उस शीशा में चला रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा वाइब्रेट कर रहा है, ये देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो और लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।